इसका क्या रेट लगा रहे हैं आप? 200 रुपये। 200 रुपये पार पीस का? पीस का। चलो ठीक है, ये सब बाहर का प्रोडक्ट है, और भी बाम्बू है ये वाइट। तो मैं आप लोगों के सामने आज एक दूसरे चीज लेके आया, वो हर चीज को ये ऑक्सीजन हरफम करता है, इसीलिए मैं ये नर्सरी में नौकुटी यानी असम का एक कोने में लंका तिनियाली कहते हैं, वहाँ पे हर तरह की पौधे मिलते हैं। तो ये बाई से हम लोग, ये जो नर्सरी का ओनर है, उनसे हम पूछेंगे कि उनके नर्सरी में क्या क्या चीज़ मिलता है या नहीं, और उनका द्वारा कहाँ पे सप्लाई दिया जाता है, तो उनसे हम डिटेल्स पूछेंगे। भैया, ये आपका नर्सरी में क्या क्या चीज़ मिलते हैं? ये तो देखिए, मेरा ये अगरवुड का पौधा है, यह ऊट का काम में आता है, जो सऊदी अरब कुवैत दुबई में जो जलाते हैं ऊट, अगरवुड बोलते हैं इसको। हाँ जी, ये अगरवुड का पौधा है, ये पूरा इंडिया में जाता है, इंडिया का बाहर भी जाता है, ठीक है, ये सब अगरवुड है। अच्छा, इसके बाद में ये, तो ये आप लोग सप्लाई करते हैं ना? सप्लाई करते हैं। तो यानी एक पौधे का कितना आता है आपका रेट? ये रेट आपका ट्रांसपोर्टेशन का ऊपर में है। अच्छा, चलो हमारे मिजोरम में आप ये एक पौधा कितना में पहुंचा सकते हो? एक पौधा आपको 40-45 में पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। इतना बड़ा पॉलीबैग वाला, छोटा पॉलीबैग होने से रेट कम है। ठीक है जी। और ये सब? ये रेड सैंडलवुड है। हाँ। अच्छा, ये जो रेड सैंडलवुड हम बोलते हैं, ये वुड भी बहुत महंगा है। अच्छा, एक केजी वुड का 5,000-6,000 रुपया केजी है। वाओ, इतना कीमती चीज है। कीमती चीज है, यानी इसको रेड चंदन कहते हैं। रेड चंदन लाल चंदन भी कहते हैं। लाल चंदन, इंग्लिश में उसको रेड सैंडलवुड बोलता है। ये भी पुष्पा फिल्म बनाता है उसी के। हाँ, ये फेमस हो गया था पुष्पा फिल्म, जिसके आधार पे बनाता वही वुड का ये पेड़ है, यानी पौधा है। ये रुद्राक्ष बोलते हैं, रुद्राक्ष पेड़। रुद्राक्ष, हाँ हाँ, ये बहुत दवा में भी काम आता है, मेडिसिनल प्लांट है। हाँ। रुद्राक्ष ये भी मिलता है इधर में, और भी है बहुत सारा चीज। आइए इधर आइए, ये बाम्बू है। अच्छा। बाम्बू मेरे पास 10 वैरायटी का बाम्बू मिलता है, 10 क्वालिटी का, 10 वैरायटी का। चाइनीज भी वैरायटी है बाम्बू का, बाम्बू 10 वैरायटी का मिलता है। ये सुपारी भी है, सुपारी भी दिखाई, ये हाइब्रिड सुपारी है। ये हाइब्रिड कितने दिन में सुपारी आता है? ये 3 साल में आ जाएगा। ये 3 साल में आ जाएगा? 3 साल में आ जाएगा। इधर दिखाइए, ये इतना छोटा, मतलब 3 साल में? 3 साल में ये पकड़ लेता है, पूरा फ्लावरिंग आ जाता है। अच्छा, तो ये बहुत फायदेमंद है। एक पौधे का कितना रेट आता है? 35 है। 35? 35 रुपीस एक पौधा का। एक पौधा का 3 साल में? देखिए मेरे को दिखाओ। ये देखिए दोस्तों, ये पौधा हमारे आसाम में हर घर में मिलता है, हर जगह में ये चलता है, ये पान मसाला भी बनता है इसमें। लेकिन ये भाई कह रहा है ये हाइब्रिड ब्रीड है, तो इसमें 3 साल में ये फल आ जाता है। 3 साल में फल आ जाता है। चलो ठीक है, इसका आपका कीमत कितना लगाया था? 35। 35, थैंक यू। और नेक्स्ट चलिए, ये पाम है, पाम बोलते हैं। पाम का बहुत वैरायटी होता है, मेरे पास पाम का 4 वैरायटी है, एरिका पाम, चाइनीज पाम, पोनिक्स पाम, फॉक्सटेल पाम, ये सब ये सीनरी का है। ये अलग अलग का है ना? हाँ, ये अलग अलग, सब बम्बू अलग अलग है। ये भैया ब्लैक बम्बू बोलता है। ब्लैक बम्बू? ब्लैक बम्बू। ये कौन से, ये कहाँ का ये प्रोडक्ट है? ये प्रोडक्ट चाइना का है। चाइना का है? चाइना का है, हम लोग सीड उधर से लाके हम लोग ग्रो किया है। चाइना का बम्बू है? चाइना का बम्बू है, ब्लैक, पूरा ब्लैक कलर होता है। चाइना के बारे में हम लोग बहुत सुना है, फिल्म में भी देखा था, वही बम्बू है ना? वही बम्बू है। सब बम्बू हम लोग का तो ग्रीन होता है, लेकिन ये पूरा ब्लैक होगा, नीचे से ऊपर तक ब्लैक होगा। चलो ठीक है, थैंक यू। आपके यहाँ पूरा यही सेम? हाँ हाँ, ये सेम पूरा ब्लैक है। ये आपने चारा लाया था चाइना से? चाइना से लाया था। मतलब ये हम लोग सीनरी के लिए नहीं यूज कर सकते, हम लोग ये बगान कर सकते हैं। कमर्शियल? चलो ठीक है। और क्या क्या है आपके गार्डन में? गोल्डन बम्बू भी है। गोल्डन बम्बू, ठीक है, आगे दिखाइए। उन्होंने दिखाया, पहले ब्लैक दिखाया, अभी ये गोल्डन बम्बू है। ये गोल्डन बम्बू की नस्ल है, तो इसमें क्या फायदा है? इसमें ये भी कमर्शियल के लिए है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है। अच्छा अच्छा, दिखने में बहुत सुंदर है। चलो ठीक है भाई, इसका क्या रेट लगा रहे हैं आप? 200 रुपया है। 200 रुपये पार पीस का? पीस का। चलो ठीक है, ये सब बाहर का प्रोडक्ट है, और भी बाम्बू है। ये व्हाइट, इसका पत्ता व्हाइट होता है। व्हाइट, हाँ, देखने में लग रहा है थोड़ा सा। ये व्हाइट वेरीगेटेड बाम्बू बोलते हैं इसको। इसको सीनरी के लिए? सीनरी के लिए, या अपना बाउंड्री? हाँ, बाउंड्री के लिए। हाँ, सेफ के लिए, ये बाउंड्री बना सकते हैं उससे। इसका भी रेट? का भी प्राइस 150 है। 150। चलो पूरा ब्लैक, ये भी ब्लैक है? हाँ, ब्लैक है। ये कमर्शियल? ये ब्लैक का जो छोटा हेज है। हाँ। वो सीनरी के लिए? सीनरी के लिए। चाइना का प्रोडक्ट? चाइना का। ये भी चाइना का, यानी वर्ल्ड का हर कोने कोने से आपने ये पौधा अपने बगान पे लाके रखा है? लगा के रखा है। कोई भी चीज, एक भी पीस मेरे पास रहेगा, कोई भी हो। अच्छा, बाम्बू का वैरायटी। तो सबसे बड़ा बात यह है कि उनकी जो गार्डन है वहाँ पे इंडिया का या तो या वर्ल्ड का किसी कोने कोने का जो
बम्बू का प्रोडक्ट हो या तो कोई भी पौधा हो, इनका ऊपर सैंपल के लिए एक पीस तो कम से कम होगा, और आप ऑर्डर करेंगे तो ज्यादा भी मिल सकते हैं। इसको बोलते हैं बुद्धा वैली बम्बू, बुद्धा वैली बोलते हैं। ये भी सीनरी के लिए है, इसको भी आप बाउंड्री में भी लगा सकते हैं, बैरिकेडिंग के लिए। चलो ठीक है, इसका भी क्या कीमत लगा रहे हो? 200 रुपये कीमत। चलो ठीक है, और क्या है नेक्स्ट? और क्या है नेक्स्ट? और तो बहुत सारा चीज है, सर रबर के बहुत सारा चीज है। स्टॉप, हम लोगों को गोल्डन बम्बू दिखाया था, तो ये थोड़ा बड़ा पौधा है गोल्डन बम्बू का। सचमुच देखने में अजीब सा लग रहा है, हमारे इंडिया में तो सब नहीं है, लेकिन देखिए देखने का इसका अलग नमूना है, अलग नजरिया है देखने का। चलो ठीक है, उनका वहाँ क्योंकि उनका यहाँ में जितना प्रोडक्ट है हम लोगों का वीडियो के सामने दिखा नहीं सक रहे, कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ा बहुत 2 मिनट का हम लोग थोड़ा रबर दिखा देंगे। रबर प्लांटेशन है, आइए। चलो, तरह तरह की पौधा है, बहुत तरह के फ्लावर का भी है और प्लांटेशन करने वाला भी। टीका भी है क्या? टीका नहीं है, टीका खत्म हो गया है। अच्छा, अभी मेरा फोकस है रबर प्लांटेशन में। अच्छा, रबर बहुत काम आ रहा है पूरा इंडिया में। हाँ, रबर का बहुत ज्यादा ये आ रहा है, तो इसलिए अभी हम लोग रबर किया है। रबर का मांग ज्यादा चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है पूरा इंडिया में रबर के लिए और बाम्बू के लिए। बाम्बू से पेपर बनता है, कागज बनता है, और रबर से गाड़ी का टायर बनता है। तो इसलिए हम लोग ये दोनों में ज्यादा फोकस है, बाम्बू और रबर में सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं। चलो ठीक है, तो मैं अपनी कैमरामैन को मेरी तरफ कैमरा करने के लिए कहता हूँ, कृपया। तो हम लोग दोनों भाई एक साथ एक बार दिखा दो। तो वीडियो में ज्यादा लंबा नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए ये भाई का पास बहुत तरह तरह की पौधा है। आजकल ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा बन चुका है, इसीलिए ये सब का हम सबको ज़रूरत है, इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और इस भाई का नंबर मैंने आपका ये वीडियो के थ्रू में दे दूंगा, आपको ज़रूरत हो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, और अपने घर तक उन्होंने पहुंचा सकते हैं, कांटेक्ट करके अपने डील फाइनल कर सकते हो। चलो फिर इसी आज के लिए ये वीडियो यहाँ ख़त्म करते हैं, ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।